अभी अभी छोड़ा गया कैप्टन आइलैंड के बीचों बीच और हम यहाँ पर 7 दिन बिताने वाले हैं। हाँ अभी 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 मतलब मेरा मतलब है गेम के अंदर मैं थोड़ी असली आइलैंड पे जाऊंगा। बाय द वे आई एम सस्ता मिस्टर बीस्ट। ये देखो पीछे, एक सेकंड, पीछे का कैसे दिखाते हैं ये देख लो, तुम लोग को दिख रहा है क्या? मैं पीछे का दिखाता हूँ तुम लोग को। ये दिख रहा है मिस्टर बीस्ट? भाई 2500 रुपए का सिला है मैंने तो। अरे हाफ पैंट मत दिखा, एडिटर कट कर हाफ पैंट। नहीं एक सेकंड, इस पेट को एडजस्ट कर लो। मिस्टर बीस्ट पतला हो गया है अपना, कुछ मालूम नहीं कब क्या कैसे। ये देखो बाइसेप पे डॉलर है अमेरिकन फुल पे। मिस्टर बीस से ज्यादा पैसा तो मेरे पास है। मेरा नाम है मिस्टर बीस। यस मैं 20 रुपए का हूँ। तो अभी भी मिस्टर बीस ने एक चैलेंज किया जिसमें उसने 7 दिन एक आइलैंड पे सर्वाइव किया, एंड मैं वो सेम चीज एक गेम में करने वाला हूँ क्योंकि मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है एंड पैसा भी नहीं है। भाई ये एक सेकेंड, ये मेरे जैसा नहीं दिखता क्या? एक सेकेंड गाइस, इसको अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो ये एक्चुअली मेरे जैसे दिखता है। इसका मुंह लंबा है, आंख भी मेरे जैसे, ऐसे कैसे यार? ये मेरा वेबकैम हैक हो गया क्या? ये तो वर्ल्ड एग्जिस्टिंग सिंगल प्लेयर नॉर्मल क्या ये सब चूज करने का है क्या? मेल फीमेल? मिथिला भी बन सकता हूँ वैसे तो मैं, लेकिन मैं लड़का हूँ। तो मिस्टर बीस्ट ने क्या किया था, वो बोट से आया उसके आइलैंड पे और उसने फिर 7 दिन सर्वाइव किया। अपना अलग है, अपना स्टोरी ही अलग है पूरा। अपने स्टोरी में हम लोग एक प्लेन में है। वाओ, ओ माय गॉड, बिजनेस क्लास सीट है। अच्छा मैं बड़ा बिजनेसमैन हूँ भाई, समझे ना? रिस्पेक्ट से बात करो। ये देखो बाइसेप पे डॉलर, बड़ा बिजनेस। मेरा प्लेन गया, फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बिलियनर बिजनेसमैन हूँ। वो मेरा पायलट है, पायलट लेट गया क्या? पायलट वहाँ पे भाई, पायलट मरने वाले हम दोनों। अरे ये क्या है, ये उड़ गया ऊपर, पैराशूट चाहिए मुझे। क्या करना क्या है मुझे बताओ यार। भाई मैं पूरा घूम गया और मैं मर गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक सेकंड, सबसे पहले ओ माय गॉड ये क्या हो गया? गेट टू अ लाइफ राफ्ट ऑन द सर्फेस, लाइफ राफ्ट ऑन द सर्फेस। एक सेकंड, मेरा लैपटॉप है यहाँ पे। मोशी मोशी अमामोतो सा, मोशी मोशी काटो सा, मेरा एक इंपॉर्टेंट ईमेल था, मुझे वो ईमेल भेजना था यार। नहीं ओके, वो काम को अभी प्रायोरिटी नहीं दे सकते गाइस। अभी सबसे पहली प्रायोरिटी है हमें लाइफ राफ्ट ढूंढनी है। जिंदगी बचेगी तो ये पैसा यूज कर पाऊंगा। एक सेकंड, हमारा पायलट मर गया क्या? एक सेकंड, पायलट की डेड बॉडी? भाई पायलट गायब हो गया? पायलट ने साजिश की थी, पायलट ने मुझे मारा, मैं बता रहा हूँ गाइस। पायलट किधर गायब हो गया क्या? बॉडी इसकी दिखी नहीं रही पायलट की किधर भी। ओके ये देखो, हम लोग वैसे तो बाहर आ गए हैं पानी के। एक सेकंड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अचानक से मैं हिल गया और फिर गायब हो गया। What? मैं तो बोट तक खुद गया भी नहीं है, गेम अजीब है। कोई बात नहीं, अभी हम लोग हमारे बोट पे बैठे हैं। भाई क्या ग्राफिक्स है इस गेम का यार, ऐसा मन कहे भाई साहब कुछ मन नहीं कर रहा मेरा। नीचे शार्क है, असली है क्या? मेरे को नहीं लगता असली शार्क है। यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देखे लोगों के शार्क के आसपास घूमने के, एंड सब लोग बोलते रहते कि शार्क एक एग्रेसिव एनिमल नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि शार्क्स अटैक करते हैं हम पे, बट एक्चुअली शार्क्स अटैक नहीं करते। शार्क को मतलब ऐसा होता है कि लोग डरते हैं शार्क से, बट शार्क में बहुत सारे प्रकार के शार्क्स होते हैं, टाइगर शार्क। तो हर शार्क अटैक नहीं करता, इतना याद रखो तुम लोग। एंड जो शार्क शोर के इतना पास होता है, ये देखो यहाँ पे आइलैंड है, वो वाले तो कभी अटैक नहीं करते। एक्चुअल शार्क तो एकदम ओशन के मिडल में होते, तो ये वाला पेट शार्क है शायद, देखते चलो। मेरे को रिस्क लेना, ये टाइगर शार्क है, ये टाइगर शार्क था भाई। गेम ही मस्त चालू किया मैंने। नाइस यार तू अहिला, ओके ओके मैं मरा नहीं हूँ अभी भी। टाइगर शार्क, क्या तुझे टाइगर श्रॉफ मालूम है? हाँ उड़ी मार सकता है तू टाइगर श्रॉफ जैसे? भाई इसने एक बार अटैक किया मुझे बस, और उसके बाद उसने कुछ नहीं किया मुझे। देखा मैं बोला ना ये अग्रेसिव आदमी नहीं है, आदमी क्या बोल रहा हूँ, प्राणी। ओके हमें ये बोट चलानी है अभी आई थिंक। ये राफ स्टोरेज है, इसके अंदर कुछ है क्या जो हम यूज कर सकते हैं? नहीं ये सब तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो होता है ना, हाँ ये 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 कैसे लेते हाथ में? गेट टू द शोर, ओके समझ गया समझ गया समझ गया भाई। ये देखो कितना आसान है लॉल। भाई ये गेम एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, लेकिन ऐसा लग रहा है लक्षद्वीप आ गया हूँ मैं। तो क्या करना है हमें, जैसे मिस्टर बीस्ट ने सर्वाइव किया 7 दिन, वैसे हमें भी यहाँ पे सर्वाइव करना है। आई डोंट नो 7 दिन करूँगा क्या, देखते हैं। वो मेरे को 10 मिनट की वीडियो से मतलब है ना, मैं 7 बार 7-8 दिन करने नहीं वाला। उसको आता है 70 मिलियन, मेरे को कुछ वैसे भी आता नहीं है, तो मैं क्यों करूँ इतना मेहनत। ओके गाइस हम लोग आ चुके, ये क्या हो गया, क्या हो गया, व्हाट इज ये, खाऊ के तेरे को खेकड़े? मारो मारो, इसको मारते कैसे? मार नहीं सकते किसी,
डैम चबा चबा मेरे को चबा ना येड़पट अभी तेरे को खाऊंगा रात को समझाना। ओके गाइस अभी हम लोग एक छोटे से आइलैंड पे आ गए। मिस्टर बीस का तो आइलैंड बहुत बड़ा था, ये क्या है इतने से आइलैंड पे। वो देखो सामने भी एक आइलैंड है गाइस। ये नीमो फाइंडिंग नीमो, ये नीमो इधर आ मेरे को टेस्ट करने का तुझे। फाइंडिंग नीमो इधर आ ना यार, मार नहीं सकते क्या इसको। नीमो बेटा मस्ती नहीं, नीमो बेटा मस्ती नो। ए ए ए ए नहीं नीमो को नहीं मार सकते, कोई बात नहीं। ये देखो पानी के अंदर बहुत सारे कोरल्स वगैरह भी है। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस राफ्ट पे जाते हैं एंड हम लोग को ना इस राफ्ट को पकड़ के शोर पे लाना है ताकि अगर बड़ी सी लाट आए तो ये राफ्ट चलाना जाए। तो हमने इसको आके शोर पे रख दिया, अभी हम सेफ है बेसिकली। लेकिन हमारा प्लेन किधर है, प्लेन तो दिख ही नहीं रहा। चलो हमें क्या करना है, पिकअप रिसोर्सेज यू कैन फाइंड अराउंड द आइलैंड। क्या है इस आइलैंड पे, कुछ नहीं है, चालू होते ही खत्म हो जाता है। ये क्या है, फूल एलोवेरा, एलोवेरा दे दो मुझे। खेकड़ा भी उठाया था मैंने, स्टोन उठाते हैं, शार्क को पत्थर से मारूंगा मैं। अभी क्या है, और वो देखो ये बोट तो बहुत मस्त है यार, वो मेरे राफ्ट से तो बहुत अच्छी बोट है। देखे क्या उस पर जाके एक बार, चलो देख के आते हैं हम लोग को मे बी इस बोट पे कुछ खजाना मिल सकता है। यू नेवर नो। ओके ये देखो, ओही लाइज बोट में तो दरवाजा है, मतलब ये डबल डेकर बोट है। खोलते कैसे इसको, ओके खोल दिया मैंने। भाई पूरा इस बोट को किसी ने तो अबैंडन करके रखा है एंड आई थिंक मुझे कैप्टन के इधर जाना चाहिए, जहाँ पे बोट का कैप्टन होता है वहाँ पे मे बी कुछ तो खजाना मिल सकता। सार्डिन फिश, ये सार्डिन फिश खाने का, सार्डिन फिश ऐसा वो वाला फिश है जो लोग खाते हैं, मुझे मालूम है, इसका नाम सुना है मैंने। इधर आ, वो लेते कैसे पकड़ते कैसे मालूम नहीं, जाने दो, सार्डिन फिश मालूम नहीं कैसे पकड़ते हैं। बट इस बोट में कुछ भी है ना नहीं, गुड़ कंटेनर है, क्या था इसके अंदर मालूम नहीं। इस बोट में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे तो हम लोग जाते हैं यहाँ से। चलो मुझे लगा बहुत कुछ मस्त खजाना वजाना होगा लेकिन कुछ नहीं है। समुंदर में सबसे खतरनाक मछली कौन सा होता है, शपथ ये हैमर शार्क है। हैमर हेड शार्क्स अटैक नहीं करते कभी भी, वो मुझे मालूम है। हैमर हेड शार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते। वो दूसरे ना टाइगर शार्क सबसे खतरनाक। भाई हैमर हेड शार्क ने अभी अभी आके मेरे को पप्पी दिया, भागो इधर से। चलो इस आइलैंड पे और क्या है, कुआवा फ्रूट, ऐसा फ्रूट होता है कुआवा, पाम ट्री, पाम ट्री पे क्लाइम कर सकते, वाओ उठा लिया। भाई कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे को खजाना चाहिए था इस आइलैंड पे। ओके फिलहाल हम लोग को एक स्टोन टूल क्राफ्ट करना है, स्टोन टूल ये देखो, एक सेकेंड, ये रिफाइंड नाइफ हमें बनानी है। इसको बनाने के लिए लेकिन हमें बहुत सारा सामान लगेगा यार, रिफाइंड नाइफ बनाने के लिए हमें ये कुछ तो लकड़ी जैसा लगेगा एंड वो क्या रस्सी है क्या, रिफाइंड रस्सी लगेगी एंड रस्सी के साथ हमें एक लकड़ी जैसा कुछ तो लगेगा। मे बी हम लोग एक बार ना इस बोट में चेक करते हैं कुछ रिफाइंड नाइफ बनाने के लिए सामान मिल रहा है क्या हमें। कोयला मेंटर है, मारो मारो, ये पॉइजनस होते हैं इनका, फिशेस का मालूम है क्या है सीन है, ये एक बार ही डसते हैं जबते पूरे जिंदगी में, अगर डसा ना इन्होंने तो फिर ये खुद भी मरते हैं और सामने वाले को भी मरते हैं, ऐसा कुछ तो लॉजिक है इनका। चलो अंदर जाते हैं इस बोट के एंड देखते कुछ रस्सी जैसा मिल रहा है क्या। वैसे तो जंग लगा है इस बोट को, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई होगा। ये देखो टायर मिल, टायर के अंदर क्या है, ये लेके जा सकते हैं क्या टायर्स, इतना मेरे पास स्टोरेज स्पेस ही नहीं है तो मैं टायर्स लेके भी नहीं जा सकता। ये क्या केकड़ा केकड़ा केकड़ा, दो दो केकड़े, वाह एक की तंदूरी बनाऊंगा एक का फ्राई बनाऊंगा। इधर आ तो भाई, ये चबाते हैं केकड़े, हम चबात, एक सेकेंड खत्म। ओके और भी केकड़े है क्या, तू किधर जाएगा हा? तेरे दोस्तों को मैंने अभी अभी मारा, तुझे भी मरना है। एनी लास्ट विशेस, तू बोलता कि तेरे को जिंदा रहना है ऐसा लास्ट विश में छोड़ देता, लेकिन तेरे खुद के अंदर वो यही नहीं है, उम्मीद ही नहीं है जीने की, तो क्या फ़ायदा, क्या करूँ मैं तेरे को बचा के। वैसे अभी फ़िलहाल तो हम लोग इतना झाड़ तोड़ के देखते हैं कि हमें कुछ लकड़ी वकड़ी मिलती है क्या। ये फिक्का ट्री है, फिक्का फिशकस ट्री, ये इससे तोड़ सकते क्या, आई एम नॉट श्योर, ये माइनक्राफ्ट तो नहीं है यार। झाड़, ओ टूटा 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 टूटा, ओके झाड़ मिला एंड ये एक रस्सी चाहिए, रस्सी कैसे मिलेगी गाइस, रस्सी, एक सेकेंड, मेरा राफ्ट किधर है, आई थिंक मेरे राफ्ट पे एक रस्सी थी। मेरी राफ्ट किधर है, अरे भाई मेरे राफ्ट किधर है, ऐसे मत बोलो भाई, मेरे को यहाँ पे मरना नहीं है साइलेंट पे, माई राफ्ट गॉन घर पे। भाई साहब मैं किधर से ढूंढूँ यार, अभी मेरी राफ्ट ही नहीं है, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है गाइस। एक सेकेंड क्या हो गया मेरे राफ्ट को, मुझे याद है मैंने मेरी राफ्ट वो बोट के बाजू में पार्क की थी, हाँ इधर ही की थी कहीं पे, तो एंड वो क्या चली गई। ओह माय गॉड गाइस, मैं मुझे नहीं समझ रहा मेरी राफ्ट किधर है, मैंने तो मेरे राफ्ट को अच्छे से अंदर आके रखा था भाई, वो राफ्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक उस राफ्ट के अंदर सामान भी था, वो भी चला गया क्या उसके साथ, ऐसे मत करो तुम लोग, फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा।
इसीलिए मैं ये गेम्स खेलता नहीं हूँ, मालूम है? लोग बोलते रहते मेरे को ये गेम्स खेलने को, मैं कोई भी GTA और Minecraft छोड़ के सब गेम्स फालतू खेलता हूँ। एंड अभी रात हो गई, अभी मैं क्या करूँगा बताओ? रात के टाइम को कैसे मैं ये गेम खेलने वाला हूँ? मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा। ओ भाई, रात को भूत तो नहीं आते ना यहाँ पे? ये देखो, बैकपैक है, स्पाई ग्लासेस है, यहाँ पे फूड है, कंटेनर है, व्हीकल फिल्टर पार्ट। मेरे को रात को कुछ दिख नहीं रहा वैसे तो, क्या करूँगा इस, मुझे बताओ सर। अभी देखो मेरी राफ्ट नहीं है, क्या हमें दौड़ के क्या बोल रहा हूँ, क्या हमें समुंदर से स्विम करके दूसरे आइलैंड पे जाना चाहिए? क्या चांसेस है कि शार्क एक्चुअली आके हमें खाएगा? आई डोंट नो। देखो रात के टाइम को, मे बी यहाँ पे रात के 2 बजे है, और मैं पागल जैसे समुंदर के बीच में तैर रहा हूँ। ऐसे सर्वाइव नहीं करते। मैं क्या कर रहा हूँ, सामने एक आइलैंड है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ जस्ट टू सी कि वहाँ पे क्या है। मैं मुंडे अंदर डाल रहा हूँ पानी के, आई जस्ट होप कि मैं कुछ अजीब ना देखूँ। भाई स्केरी तो है, भाई स्केरी तो है। देखो अभी मेरे पास वैसे कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि रात के टाइम को एटलीस्ट मैं उधर तक पहुँच जाऊँ, पहुँचते पहुँचते सुबह भी हो जाएगी शायद। आई थिंक रात के टाइम को वैसे शार्क सोते हैं, इसलिए कोई भी शार्क आ नहीं रहा मेरे को अटैक करने अभी। एंड पानी में सबसे स्कैरी तो शार्क ही होगा ना, आई डोंट थिंक वो ब्लू व्हेल जो होते हैं वो स्कैरी नहीं होते, वो कभी अटैक नहीं करते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ब्लू व्हेल्स आर अच्छा लोग, बड़े होते हैं बस, साइज में बड़े मेरे जैसे है। मैं 6'4" का हूँ, साइज में बड़ा हूँ मैं, बट मैं एकदम सीधा साधा इंसान हूँ, लाइक सादा डोसा, आई एम सादा डोसा। मेरे आजू बाजू के सब लोग मसाला डोसा है। मैं किसी को कभी परेशान नहीं करता, किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ, मारता नहीं हूँ, कुछ नहीं भाई। कभी फ़ायदा ही नहीं उठाया मैंने मेरे हाइट का, कभी किसी को पीटा नहीं मैंने ज़िंदगी में। एक बार स्कूल में पीटा था, पर उसने मेरे को पहले मारा था। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने शायद देखी है, इस आइलैंड के थोड़ा सा दूर ना तुम लोग देख सकते हो, एक शिप जैसे कुछ तो दिख रहा है। एंड हमें वहाँ पे सुबह जाना चाहिए, क्योंकि शिप पे हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। बट आई डोंट नो कि वहाँ पे लोग है क्या, क्योंकि मे बी वो एक अबैंडन्ड पायरेट शिप हो सकता है, या फिर एक नॉट अबैंडन्ड पायरेट शिप हो सकता है। ये भी छोटा सा आइलैंड है, मेरे को बड़े आइलैंड पे जाने का। मिस्टर बीस को कितना बड़ा आइलैंड था मालूम है, पहाड़ वहाड़ था उसके आइलैंड में तो। ए आवाज, अच्छा पक्षी का आवाज़ है। ये बैट है, बैटमैन बचाने आएगा मुझे, ये बैट सिग्नल है। देखते हैं यहाँ पे कुछ रस्सी वस्सी का शॉट हो रहा है क्या। ये एक सेकेंड, ये प्लेन का आगे का पार्ट दिख रहा है, क्लियरली प्लेन का आगे का पार्ट है। मेरे प्लेन के जो पार्ट्स थे वो आजू बाजू हो गए हैं सब जगह पे। पायलट की तो बॉडी नहीं मिली एक भी बार, आई डोंट नो वो जिंदा बचा कि नहीं, या फिर उसी के वजह से सब कुछ हुआ है। फायर बना सकता हूँ मैं, किंडलिंग फायर टॉर्च कुड नॉट बी स्टोर्ड। वही गिरा दिया, फायर लगा सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? ओके, लेकिन मुझे लगाना नहीं आता, ये मैंने नीचे तो रख दिया। इस आइलैंड में भी वैसे कुछ है नहीं, लेकिन वो सामने 120% एक पायरेट शिप है जहाँ पे मैं सुबह जाऊँगा। ओके, अभी नहीं जाऊँगा, मुझे लगता है कि उस शिप में बहुत। ओ माय गॉड, ये अटैक तो नहीं करेगा ये भाई? अटैक खुद से क्यों आ रहा है मेरे पीछे अटैक करने? पागल है क्या तू? इंसान से डरता नहीं है क्या? मैं इसको कुछ किया भी नहीं भाई। मैं मारूंगा। गेम ओवर। अटैक भाई, ये मरते नहीं है क्या भाई? ये मारू कैसे इसको? मारे को रिमोट, एक क्रैब ने मुझे खा दिया गाइस, क्रैब ने मारा मुझे। व्हाट? ओ, इस गेम में रिस्पॉन कुछ नहीं है। मर गया तो मर गया, पूरा खत्म। ओके, मैं समझ गया। ये बेसिकली ये गेम माइनक्राफ्ट में जो वो मोड होता है ना, हार्डकोर मोड, वैसा है। एक बार मर गए तो मर गए, उसके बाद वापस कुछ नहीं है। एंड कैन यू इमेजिन, मैं क्रैब के हाथ से मरा भाई। इसका मतलब तो ये गेम बहुत केयरफुली खेलना पड़ेगा यार। इस बार क्या करूँगा मालूम है? मैं सबसे पहले उस पायरेट शिप पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि उस शिप पे क्या है। लाजू बाजू ना बहुत सारे आइलैंड है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड किधर, तुम लोग को घर जैसा कुछ दिख रहा है क्या? अजीब तो कुछ घर जैसा तो कुछ लग रहा है गाइस, पक्का। तो वो भी मे बी चेकआउट करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग स्ट्रेट जाते हैं। मुझे डायरेक्टली उस शिप पे जाना है, देखते हैं क्या है उस शिप पे। आओ हम चले चले सभी चले, चलो हम जाते हैं, हम नहीं डरते किसी से। गला ना मेरा दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। ये अभी वो शिप नहीं दिख रहा गाइस, तो मेरे को लगता है मैं कुछ तो गलत देखा रात के टाइम को ना, मुझे समझा नहीं वो शिप था या क्या था, क्योंकि मेरे को तो कोई शिप नहीं दिख रहा है अभी सुबह। ओके, मेरा पोपट हो गया गाइस, एक अबैंडन आइलैंड पे आ गए और पोपट हो गया। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी पायरेट शिप है, तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? हम लोग यहाँ पे जाते हैं लेफ्ट वाले इस पे, एंड देखते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या है। इस बार तो वैसे मैं एक दूसरे आइलैंड पे आ रहा हूँ, कि वो वाला आइलैंड आई डोंट नो, वहाँ पे कुछ था नहीं वैसे रिसोर्सेज। यहाँ पे तो और भी कम लग रहा है रिसोर्सेज, क्योंकि ये और भी छोटा आइलैंड लग रहा है। बट देखते हैं यार,
मिस्टर बीस्ट ने 7 दिन सर्वाइव किया। कैन यू बिलीव, इस बार अब मैं आइलैंड पे जाऊंगा एंड इस बोट को एकदम अंदर लेके जाऊंगा। भाई कुछ भी रिस्क नहीं चाहिए मुझे, ये राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। राफ्ट में बाय द वे कोई भी और चीज़ें होंगी ना वो भी लेके जाते हैं पप्पी से। राफ्ट चली भी गई तो भी हमारे पास वो चीज़ें होंगी। भाई ये वाले आइलैंड पे एक बीच में बड़ा सा रॉक है एंड और कुछ नहीं है। ये देखो नीचे शार्क है, टाइगर शार्क। ए टाइगर श्राफ, छोटी बच्ची हो क्या? इधर का पानी ज़्यादा डीप लग रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग तो है। ये देखो नीचे बोट है पानी में मरी हुई। चलो हम लोग आ गए, इसको ना लेके जाते हैं पहले सी एंकर। अच्छा ये ओ सी एंकर का ये जो रस्सी है वो ले सकते हैं क्या? आई डोंट नो। इस एक सेकंड मुझे पहले ये देखने दो, राफ्ट स्टोरेज में अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं। कंपस है, बैंडेज है, ये है बैकपैक है, बस और कुछ नहीं है। ओके ठीक है चलो, आई जस्ट होप कि ये चली ना जाए अभी। वैसे ये आइलैंड पहले वाले से छोटा लग रहा है, थोड़ा सा कम कंफ्यूजिंग भी लग रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे वैसे कुछ है क्या। वो क्रैब होगा तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से। भाई अच्छा खासा हथियार चाहिए फिर ही मैं उस क्रैब को मारूंगा। मैं मारूंगा उसको, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई उसको। ये तो अलग ही चीज है भाई, तू एक सेकेंड। हट हट यार कुत्ते, कुत्तू पानी में जा, कुत्ते पानी में जा। भाई साहब ये कुत्ता उड़ता है ये कुत्ता? भाई यार ये एक आइलैंड ऑफ कैरियर है यार, क्या नॉनसेंस है। मैं तो सरवाइव करने के लिए आया था, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राणी मार रहे मेरे को। वो देखो वहाँ पे एक सर्वाइवल शेल्टर है किसी का। तो भाई मतलब यहाँ पे कोई तो इंसान आया था पहले एंड उसको इन कुत्तों ने वैसे तो सर्वाइव करने नहीं दिया, तो अगर हमने उस सर्वाइवल शेल्टर पे कब्जा किया तो मे बी। बट नहीं यार ये कुत्ते आते रहेंगे मारने हमें, लेकिन ये ना पानी में नहीं आते तो वो एक अच्छी चीज़ है। भाई ये गेम बहुत क्रेजी है यार, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ बहुत टाइम के बाद मेरे को कोई तो गेम खेलने में मज़ा आ रहा है। भाऊ 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 वाला भाऊ वाला भाऊ, भाई ये क्या हलकट आदमी है यार, जा यार इधर से कुत्ते। भाई मेरे को पानी में फेंक दे एटलीस्ट, तो तू नहीं आएगा मेरे पास। जा 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 जा। भाई ये नहीं होगा भाई मुझसे, ये नहीं होगा भाई मुझसे। अटक गया शायद, अटक गया, ग्लिच कर रहा है, ग्लिच कर रहा है, ग्लिच कर रहा है, कुत्ता ग्लिच कर रहा है। ओके नहीं निकल गया भाई, कुत्ता निकल गया। समझ नहीं रहा भाई, मैं नहीं जा सकता उस शेल्टर के अंदर जब तक वो जिंदा है। ओके वो दूर है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं हमारे पास। हे भाई उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान नहीं, उसका ध्यान नहीं, उसका ध्यान नहीं, उसका ध्यान नहीं। भाई मैंने ये क्या उठाया, मैंने क्यों उठाया वो बताओ। भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, पोपट हो गया। भाई मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे इस आइलैंड पे रात के टाइम को नहीं रुकना। हमारा आइलैंड कितना बेटर था गाइस इससे। वो देखो मेरा भाई, जिस भाई ने मुझे मारा था पहले। भाई तुम लोग, तू ना अजीब आदमी है। नहीं भाई इससे दूर चलो, इससे दूर चलो, मैं जा रहा हूँ तुम लोग के आइलैंड से, मुझे नहीं रहना यहाँ पे गाइस। ये बहुत स्केरी आइलैंड पकड़ा रहे मैंने। चल 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 भाई, ये स्टैमिना खत्म हो गया इसका, दौड़ता ही नहीं। क्रैब इससे ज़्यादा तेज दौड़ रहा है इस आदमी से। भाई जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। अभी क्या अंदर आके मारेगा क्या? जा रहा हूँ ना भाई, जा रहा हूँ ना अभी क्या। भाई मैं जा रहा हूँ इधर से, ये आइलैंड तो बहुत स्कैरी था भाई। एक और आइलैंड मैं सोच रहा हूँ एक विजिट कर लेते हैं, मुझे देखना है इससे अजीब क्या चीज़ हो सकती है। और भाई मिस्टर भी इसके वीडियो में तो एटलीस्ट ये कुत्ते वुत्ते नहीं थे, तो मेरा ज़्यादा डिफिकल्ट वीडियो है, मुझे उससे ज़्यादा भी जाना चाहिए। आई डोंट नो, उसने तो सर्वाइव किया उसके 5 दोस्तों के साथ, मैं तो अकेला सर्वाइव कर रहा हूँ। अभी बोलो मैं एक बार नहीं, सामने वाले आइलैंड पे जाके देख रहा हूँ, कोई तो आइलैंड तो दिख रहा है मुझे सामने, तो देखते जल्दी से जाके कि वहाँ पे और कौन सा इंटरेस्टिंग प्राणी है जो हमें मार देगा। कुछ भी नहीं है उस आइलैंड पे। नहीं यार बीच में, इस आइलैंड पे भी बीच में पत्थर है भाई। और ये क्या है भाई मुझे बताओ जरा। आइलैंड के राइट में बड़ा सा, ये क्या है पानी में, डॉल्फिन? नहीं भाई क्या है, कौन सा शार्क है ये? ओ अच्छा ये दिस इज, ये मुझे मालूम है ये वेल शार्क होते हैं और ये बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। ये अभी तक इस दुनिया में एक भी ऐसा कोई वेल शार्क नहीं है जिसने इंसान को खाया है। देखना तुम लोग को, उतर के दिखाओ क्या पानी में, दिखाता तुम लोग को विश्वास नहीं होगा। नहीं तो किधर है वो, ए वेल इधर आ, ये देखो बहुत अच्छे होते हैं ये कुछ नहीं करेंगे जितना मेरा साइंटिफिक नॉलेज है। भाई मैं इसको मारूँ के इससे बहुत रिसोर्सेज मिलेगा। इधर आ, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। लड़ा दिया मैंने इसको, हा हा हा। मुझे देखना है ये वाला राइट वाला जो डंडी है वो क्या है। व्हाट इफ इट्स अ मोबाइल कम्युनिकेशन टावर जिससे हम लोग फोन कर सकते हैं हमारे बिलियनर घर में। चलो जल्दी से जाते हैं पानी के अंदर, इधर से ही देखते हैं क्योंकि रात होने से पहले हमें देखना है। चलो 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 चलो। ओ माय गॉड ये क्या है, ओ भाई ये क्या है, नहीं ये कुछ तो, ये नहीं समझ रहा मुझे गाइस क्या है ये। तुम लोग को मालूम है क्या, तुम लोग में से आए ना बहुत सारे लोग हो जो ये सब गेम्स खेलते हो, तो मुझे बताओ चुपचाप ये क्या चीज़ है। वो भी 100% एक शिप का पार्ट है, लग नहीं रहा तुम लोग को शिप का ऐसे अंदर का पार्ट या फिर ऐसे। ये देखो, ओ भाई 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 मैं मरने वाला, मैं मरने वाला, मैं मरने वाला, मैं मरने वाला, मरने 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 मरने।
ओके एक सेकेंड, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अभी नहीं देख सकता मैं, ये रात हो रही है, मेरी राफ्ट है, मेरी राफ्ट है ना, मेरी राफ्ट जा रही है बाहर। चलो हम लोग इस आइलैंड पे जाते हैं, वैसे तो रात हो गई, अभी इस आइलैंड पे कोई प्राणी भी होंगे तो भी समझेगा नहीं यार मैं मरने वाला हूँ। गाइस कितने प्रतिशत लोगों को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दो। इधर आ जा यार, तू टेंशन देती है बहुत, तू अंदर ही रहो, पूरा अंदर होगी तू। ओके गाइस आई थिंक ये आइलैंड सेफ लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। मैं ना थोड़े से प्लांट्स उठाता हूँ इस आइलैंड पे, फाइबरस लीव्स लगते हैं रस्सी बनाने के लिए, वो मैं रस्सी ढूंढ रहा था, हमें ढूंढना नहीं है, हमें बेसिकली इसको बनाना है। ओके अभी मैं सर्वाइव करके दिखाता हूँ तुम लोग को, हंस रहे थे ना मुझ पर, मैं दिखाता हूँ तुम लोग को मैं क्या चीज़ हूँ, माइनक्राफ्ट का प्रो जिस बंद। अभी मैं सर्वाइव करके दिखाता हूँ तुम लोग को। अरे बताओ तो सही क्या चीज़ मार रही है मेरे को, एटलीस्ट आई वुड लव टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं मर भी रहा हूँ तो किस चीज़ के वजह से मर रहा हूँ। क्या था यार बताओ यार, तुम लोग डरा रहे हो, मैं नहीं जा रहा हूँ जंगल में अभी, मुझे सुबह देखूंगा कि वो क्या चीज़ थी जो मुझे काटी है। मच्छर है क्या वो भाई, बैट बैट नहीं भाई, ये क्या है छोटू सा, ओ भाई ये भी अटैक करेगा क्या मुझ पर अभी, बटल्या ये तो बच्चा है उनका, बच्चा है मतलब उसकी मम्मी भी इधर होगी भाई। भाई केयरफुल रहे मैं बोल रहा हूँ, केयरफुल रहे। क्राफ्ट स्टोन टूल जल्दी से ना, स्टोन टूल क्राफ्ट करते हैं हम लोग, हमें रिफाइंड नाइफ बनानी है, उसके लिए हमें लैशिंग लगेगा, लैशिंग के लिए हमें फाइबरस लीव्स चाहिए, और फाइबरस लीव्स तो कहीं से भी मिल जाएंगे, लीव्स तो ये भी होते, पत्ते चाहिए पत्ते। ओ भाई ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये छोटा, तू इधर आ, तू इधर आ, तूने तेरी मम्मी ने मेरे को मारा था, तू इधर आ, मेरे को देखता हूँ, सुबह होने दो गाइस मैं उसको देखता हूँ, एटलीस्ट ऐसे बोल पाऊंगा मैं आज के वीडियो में कि मैंने एक दिन सर्वाइव किया, 24 आवर सर्वाइवल चैलेंज जैसा मैं लिख सकता हूँ ना टाइटल में भाई, व्यूज आएंगे। ओ भाई इसकी मम्मी आ गई, ओ भाई प्लीज इसकी मम्मी मारती है, I'm so sorry. भाई पानी में रहो, safest पानी, पानी में अटैक नहीं करता कुत्ता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्राफ्ट कर सकते हैं लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं है। ओके फायर बनाने के लिए हमें बस ये लगेगा क्या, चार लकड़ी चाहिए, मेरे पास चार लकड़ियाँ भी नहीं है। ओके लकड़ियाँ तो मिल जाएंगी साइड से, एंड आई थिंक फिर मैं फायर बना सकता हूँ, एक मिनट ट्राई करते हैं, ट्राई करने में क्या है, लकड़ी तो मैं तोड़ सकता हूँ क्या गाइस, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, मुझे लकड़ी तोड़नी, मुझे फायर ट्राई करना है, है क्या पॉसिबल पाम ट्री की, मैं पागल जैसे बस कर रहा हूँ और कुछ नहीं होगा। नहीं यार पाम ट्री तो मुझे नहीं लगता, ओए टूटा 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 भाई, बहुत बड़ा ट्री टूटा, ये कोकोनट दे दो झाड़ का, ये भाई वुड लॉग अभी और ये तोड़ना पड़ेगा, वुड ही नहीं मिला मुझे, क्या पोपट हूँ मैं, मुझे चार वुड चाहिए बस, फायर के लिए हमारे पास बस एक वुड है, ऐसे नहीं चलेगा हमारे, मुझे ना और वुड ढूंढना है, रुको गाइस मैं देखता हूँ, मैं जुगाड़ करता हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, ये देखो वुड है, ये अभी है ना, एक सेकेंड, एक सिंपल सा कोई ट्री नहीं है क्या तुम लोग के पास, क्योंकि सुबह होने के बाद मैं फायर लगाऊँ फायदा क्या, फिर क्या दिखाऊंगा लोगों को, क्या बोलेंगे लोग मेरे बारे में, जी आने हैं आप। ये देखो ये क्या है, वुड स्टिक मिल गई, दो मिल गए, ये तीसरी वुड स्टिक मिल गई, चौथी वुड स्टिक चाहिए बस एक वुड स्टिक, ये देखो मिल गए। ओके अभी यहाँ पे आग लगाते हैं, कहाँ पे, ऊपर लगाते हैं, नहीं तो पानी के पास लगाएंगे तो बुझ जाएगी, इधर लगा सकते हैं प्लेस। भाई आग पेटी कैसे है, लगाते कैसे है, इसको जलाऊ कैसे मैं, भाई इतना सा बना के क्या फ़ायदा, फायर लगाना भी तो आना चाहिए, फायर टॉर्च रिफाइंड नाइफ किंडलिंग, क्या करना है भाई, एक सेकेंड, ये किंडलिंग जो है ना ये भी बना देते हैं जल्दी से, आई थिंक इसका और फायर का कुछ तो लेना देना है, अपने को और दो स्टिक्स चाहिए, अभी ये किधर से ढूंढ के लाऊं मैं, भाई भाई भाई, क्या था वो हलकट कौन था वो छोटा भाई, इतना सा इतू सा प्राणी आके मेरे को मार के गया यार, कुछ इज्जत ही नहीं है। मैं रुक मैं आग लगाता हूँ ना, फिर देखता हूँ इन लोगों को, फालतू लोग, क्या था वो किल्लर कौन था वो चिंटू छोटा सा, मैं मेरे को मरना नहीं यार, एटलीस्ट आग लगाने दो, और बाकी फिर बाद में मर गया तो भी इतना कुछ इशू नहीं है। किधर लगाया था मैंने वो, बाय द वे जी आने हैं आप। ओ भाई साहब ये जायंट हॉग आ गया, प्लीज मम्मी मरना नहीं है यार, एक मेरे को फायर लगाने दो ना, फायर, प्लीज, थैंक यू बेबी, यू आर द बेस्ट बेबी, यू आर नॉट द बेस्ट, ये वापस आ रहा है, पापा जा रहे, पानी में जा रहे, मेरा अलार्म क्यों बज रहा है, मैं मरने वाला हूँ क्या, कुछ बॉम्ब फूटने वाला है, भाई ये यहाँ पे तो क्रैप्स हो रहा है भाई, स्कैरी क्रैप, ये अलार्म बंद करो कोई तो, आई नीड टू फाइंड वाटर, भाई लाजू बाजू इतना पानी है पी ले भाई, बाबा आ गया मॉन्स्टर, हु
I died from poisoning, dehydration and survive 0 days. Nice. क्या गंदा खेल रहा हूँ मैं ये गेम. भाई मुझे ये गेम क्विट करना है. मतलब एग्जैक्टली क्विट नहीं करना है, आज के लिए क्विट करना है, लेकिन उसके पहले मुझे फायर लगानी है. एक बार मुझे देखना है कि इस गेम की आग कैसे दिखती है. ओके मैं जा रहा हूँ सबसे सिंपल आइलैंड पे, ये सामने वाला. ओके इस बार फुकट कॉन्फिडेंस नहीं दिखाने का है कहीं पे भी. अपना आइलैंड सबसे बेस्ट है. पहले मुझे लगा था ये बहुत फालतू आइलैंड है, लेकिन ये सबसे बेस्ट है. ओके इस आइलैंड पे जाएंगे हम लोग, एंड इस आइलैंड पे हम लोग चुपचाप जो भी चीज़ें हैं ना एक्सपेरिमेंट सब करेंगे, फिर कभी आगे जाएंगे दूसरे आइलैंड पे. अभी आज कुछ नहीं. चलो इस ड्राफ्ट को अंदर लेके आओ. एंड भाई प्लीज़ इस बार हिलना मत यहाँ से, तू अंदर ही रुक, पूरा अंदर. एंड वो देखो क्रैब है वहाँ पे. उसको मैं भाई तू रुक ना यार, अच्छे से प्लेस करो यार इसको. ये रोल करते करते जाएगी, मैं बता रहा हूँ. ओके उल्टा ही हो गया अरे राफ्ट, कोई बात नहीं. चलो देख लेंगे हम लोग. ये वुड स्टिक्स ले लो, पीपी प्लांट ले लो, चड्डी ले लो. ओके और क्या है, ये एलोवेरा है बाय द वे. एलोवेरा हम लोग फेस पे लगा सकते हैं. देखो एलो कैन बी अप्लाई टू द स्किन टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ सन एक्सपोजर. भाई खाया इसने एलोवेरा, खाते भी एलोवेरा, मुझे नहीं मालूम था. ये पाम ट्री पे चढ़ते हैं जल्दी से, एंड ऊपर के जो कोकोनट्स है वो लाते हैं. मे बी कोकोनट वाटर पी सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए, आई डोंट नो. ओके ओ भाई नीचे जंप क्यों मारा तूने, पागल है क्या. हमारे पास 3 वुड है, मुझे और वुड चाहिए. ये ले लो वुड, ये ले लो वुड. बहुत सारा वुड है रे अपने आइलैंड पे. फुक्का दूसरे आइलैंड पे गए हम लोग, हाँ कुछ काम ही नहीं था वहाँ पे. अननेसेसरी अभी बस खेकड़े वेकड़े भी है, सबको मार सकते हैं. अबे हम किंग है इस आइलैंड पे. तेरा विकसित वाला जो फॉर्म है वो मेरे को 2 बार मारा रे. तू मर जा, देखो विकसित होने दूंगा ही नहीं मैं. आई थिंक हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो तो मिली है वैसे. सबसे पहले हम लोग ये किंडलिंग बनाते हैं. किंडलिंग बन दिया, एंड अभी हमें फायर क्राफ्ट करना है. नहीं नहीं एक्चुअली अभी सुबह का टाइम है ना, तो एक दूसरा चीज़ हम लोग कर सकते हैं. मैंने देखा था कि यहाँ पे ना एक ये क्या है, शेल्टर है. शेल्टर के लिए क्या लगता है, 3 वुड हो जाएगा. फिर इसके अलावा एक रस्सी चाहिए, रस्सी के लिए हमें 4 लीव्स चाहिए. वो लीव्स कहाँ से मिलते हैं अभी तक समझा नहीं. एंड ये पाम फ्रॉन्ड क्या होता है. पाम फ्रॉन्ड मतलब पाम ट्री तोड़ना है क्या. एक सेकेंड ना गाइस, जरा ना प्लान में थोड़ा सा चेंज है, छोटा सा चेंज है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है. स्टोन टूल पहले ले लेते हैं, स्टोन टूल से ही आगे की चीज़ें हो पाएंगी. उसके अलावा कुछ नहीं. स्टोन टूल के लिए हमें सिंपल एक रॉक लगेगा. एंड ये ना इसको मैं मारने वाला हूँ. सबसे पहले ना शेल्टर बांधते हैं. ये जो हमें शेल्टर बनाना है गाइस, उसके लिए हमें ये पाम फ्रॉन्ड चाहिए. पाम फ्रॉन्ड क्या होता है, फ्रॉन्ड ये है क्या पाम फ्रॉन्ड. एक सेकेंड, मुझे झाड़ तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं. ये है आई थिंक जो हमें तोड़ना है, ये तोड़ना है शायद आगे का, क्योंकि वो शेल्टर के ऊपर जो लगता है वो इससे मिलेगा शायद. देखते मैं अटैक करके देखता हूँ इस पर, देखते क्या मिलता है इससे. ओके 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 ये देखो कुछ तो गिरा. क्या मिला, पाम फ्रॉन्ड. नहीं अभी नहीं, अभी भी नहीं मिला शायद. मुझे पाम से पाम फ्रॉन्ड कैसे मिलेगा. यस फाइब्रस लीव्स, यस मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए मिल गए, थोड़े बहुत तो मिल गए. एक सेकेंड, ये जो पाम है इसको तोड़ रहा हूँ मैं अभी, और देखते क्या होगा. पूरा तोड़ने के बाद क्या मुझे इसके लीव्स मिलेंगे, कुछ तो मिलेगा यार, कुछ तो होगा. भाई मेरा स्टोन टूल ही टूट गया. ओके ओके ये देखो पाम फ्रॉन्ड मिला. वाओ आई एम सो स्मार्ट, आई एम सो गुड. चलो कितना बहुत सारा मिला पाम फ्रॉन्ड. और इसके अलावा क्या चाहिए था हमें. भाई मैं मुझे आता है गेम, अगर मैं अच्छे से सीरियसली खेला तो मुझे बहुत सारे गेम्स आते हैं. पाम फ्रॉन्ड मिला, अभी लैशिंग तो चाहिए. लैशिंग के लिए हमें फाइब्रस लीव्स चाहिए. फाइब्रस लीव्स मिलेगा क्या भाई, अभी तो मैंने तोड़ा था वैसे तो यहाँ पे, पर वो मिले नहीं मुझे. पाम सैपलिंग, फाइब्रस लीव्स, ये देखो ये चाहिए मुझे. नॉट इनफ रूम इन इन्वेंट्री. भाई निकालो, फाइब्रस लीव्स के लिए जगह चाहिए मेरे को. क्या निकालूँ मैं, पीपी प्लांट नहीं चाहिए, पीपी प्लांट फेंक दो. फाइब्रस लीव्स लाओ तुम लोग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और भी थे इधर, मैंने पहले भी तोड़े थे फाइब्रस लीव्स. ये है ये है ये है, ये देखो फाइब्रस लीव्स मिल गए. ओके एंड एक दो और चाहिए बस, फिर मेरा शेल्टर बनेगा. भाई मेरे को खुद का शेल्टर चाहिए, मज़ा आता है. घर होना चाहिए भाई खुद का, और क्या चाहिए ज़िंदगी में. घर मकान गाड़ी, नहीं मकान और घर तो एक ही होता है, घर गाड़ी और थोड़ा सा पैसा. चलो पाम सैपलिंग यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, मेरा फाइब्रस लीव्स मिल गया. चलो ओके हो गया ना, एक और चाहिए आई थिंक फाइब्रस लीव्स. रुको चलो फाइब्रस लीव्स मिल गए, एंड अभी आई थिंक हम लोग हमारा शेल्टर बना सकते हैं. मैं ना उस राफ्ट के बाजू में बनाने वाला हूँ, मेरे को कुछ भी रिक्स नहीं चाहिए ज़िंदगी में. राफ्ट के बाजू में अच्छा एरिया भी था, व्यू भी अच्छा है उधर से. हम उसी के बाजू में हम लोग आग भी चलाएंगे, लेकिन रात को. अभी आग जला के क्या फ़ायदा, कुछ होने ही नहीं वाला. थोड़ा सा और रात होने, अभी आज अभी जल्दी से रात नहीं हो रही यार, कब से रुका हूँ मैं. मैं शेल्टर सोच रहा हूँ, शेल्टर यहाँ पे अच्छा दिखेगा आई थिंक. इधर इधर चल जाएगा शेल्टर, अच्छा है ये एरिया. शेल्टर बनाने के लिए लैश बनाते पहले,
ये जो लैश रस्सी जो होती है वो हमें चाहिए। फिर इसको पिक करेंगे, फिर इसके अलावा क्या खेल रहा ना, मैं मस्त खेल रहा ना। हाँ, फिर इसके अलावा शेल्टर, अभी वो भाई इतना सा शेल्टर, ये क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा कुछ तो बड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। वाओ, अभी सो सकते हैं क्या इस टाइम को? सो के देखिए क्या, फिर रात हो जाएगी मे बी। नहीं, अभी सो नहीं सकते, वैसे रात का इंतज़ार करना पड़ेगा, तो देखते हैं। चलो भाई, अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस तो हो रहा है, अब इससे भी बड़ा घर बनाएंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल के लिए अच्छा है। दो बार हारा मैं, लेकिन तीसरी बार देखो कितना मस्त खेला मैंने। कठिना उसे तुम लोग ना ज़िंदगी में भागोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं, हमेशा उनसे लड़ना सीखो। अगर तुम एक आइलैंड पे कैद हो तो तुम लोग क्या करोगे? हाँ, जीना तो पड़ेगा ना, ऐसी थोड़ी ना हार मान लोगे तुम लोग ज़िंदगी में। एनीवे, आई थिंक रात हो रही है, मेरे पास सब चीज़ें रेडी है ना फायर के लिए, बिकॉज मुझे बाद में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मैं फायर इधर लगाऊंगा, इधर अच्छा है, ओके। एंड अभी रात होने दो, होपफुली फायर जले। मुझे किंडलिंग लगता है, इससे हम लोग फायर जला सकते हैं। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा, जिस रात होने दो, फिर उसके बाद जलाएंगे, मजा आएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके गाइस, रात हो गई है फाइनली, एंड हम लोग हमारी आग टेस्ट कर सकते हैं। भाई किधर है, कुछ भी नहीं दिखता यार इस गेम में तो, लेजिट नहीं दिख रहा। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे शेल्टर है मेरा, एंड यहाँ पे आग लगाएंगे, लेट्स गो। ऐसे कुछ तो करना है हमें। ओ भाई, जल रही है, जल रही है, जल रही है हमारी पहली आग। ओ अच्छा लग रहा है यार भाई, ये सब वुड मैंने कलेक्ट किया तो इसलिए अच्छा लग रहा है, मेहनत किया है यार, ऐसी थोड़ी है ये आग फ्री में आ गई भाई, मस्त लग रहा है मेरे को भाई। देख, खेकड़ा तल सकता हूँ क्या इस पर? रुको एक बार, ट्राई तो ट्राई करना चाहिए, रुको इस पर मैं खेकड़ा तंदूरी कुछ बना सकता हूँ कि नहीं? आग बुझा दी मैंने, शिट, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं वापस वापस, चलो चलिए, ओके, जल गया, वेरी गुड। हाँ, सेफ लग रहा है मुझे, ऑनेस्टली बताओ तो, रात के टाइम को। वैसे तो इस आइलैंड पे मेरे वाले पे तो कुछ है नहीं, लेकिन सेफ लग रहा है ना। आई थिंक अगर ये सेम आग मैंने दूसरे आइलैंड पे जलाई तो मुझे नहीं लगता वो कुत्ता जो है, आई नो वो कुत्ता नहीं है, क्या कौन सा प्राणी मुझे भी नहीं मालूम, बट वो मेरे पीछे नहीं आएगा, एंड शायद वो क्रैब भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब प्राणी जो होते हैं ना वो आग से डरते हैं। हम ह्यूमंस पहले से, इसके वजह से ह्यूमन स्ट्रांग हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जब वो स्टोनेज में, जब ह्यूमंस ने सीखा कि आग कैसे जलाते हैं ना, उसके बाद ऐसे ह्यूमंस ओवर पावर्ड हो गए थे। ये मैंने बचपन में हिस्ट्री में सीखा था। 24 hour सर्वाइवल चैलेंज तो हो गया, आगे देखते क्या होने वाला है। मिस्टर बीस जैसे अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं 7 days सर्वाइव करूं, तो लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर दो, बिकॉज सब्सक्राइब करने से पुण्य मिलता है, और आप लोग बहुत जिंदगी में पाप करते हो, तो यू नीड पुण्य। एंड मैं निकलता हूं, और मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर।